मनी ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोगों को घर तो आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर सबको शक हो जाएगा और रमन के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, सबको शॉक लग जाएगा यार। ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ईशु को घर लाने के लिए। डोंट वरी मनी, प्लीज कुछ भी करके अक्का को घर लेकर आओ। अभी मैं जाके देखती हूँ। सुनो हम लोग अंदर चलते हैं इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। चलो चलो। अरे तुम सब इधर हो, चलो चलो अंदर सामान रखो ना। हाँ। और ईशु किधर है भला, उसको फोन करो। हाँ उसको बोलो चलो कब आ रही है घर और मुझे उसके साथ बात करनी है। इतना भी क्या काम है? मैं हाँ करता हूँ। हाँ, करो। ओ ये देखिए अम्मा, ये मनी का मैसेज आया है, वो लोग मीटिंग में है, 5-10 मिनट और लगेंगे मीटिंग खत्म होने में, तो हम लोग 10-15 मिनट के बाद कर लेते कॉल। हाँ, हाँ तो ठीक है ना, अंदर चलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, सब रखो सामान, चलो चलो। ईशु तुम्हारे लिए घर से फोन आने वाला है, अम्मा और आंटी जी तुमसे बात करना चाहती हैं और तुम्हें बात करनी होगी, बी प्रिपेयर्ड। ओके आंटी जी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, मुझे टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि अम्मा के लेवल का बना के नहीं। सिमी एक चम्मच देना मुझे, सांभर टेस्ट करता हूँ। हाँ बोलना। बहुत बढ़िया बना आंटी, ऐसा लग नहीं रहा कि आपने पहली बार बनाया, मुझे तो लगा था आज तो एक्सपेरिमेंट होने वाला। बाला जी अम्मा, हो गया टेस्ट? हाँ अब ईशु को कॉल करो। हाँ हाँ ईशु को कॉल करता हूँ। स्पीकर पे डालो। जी जी अम्मा। मैं अभी बात नहीं कर सकती मणि, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ, प्लीज मत बात कराओ अभी। फोन आ गया, फोन आ गया। देखो समझने की कोशिश करो, वो सब घबराए हुए हैं, यू हैव टू टॉक। अम्मा प्लीज। हेलो ईशु, किधर हो? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऑफिस में हो ना या किधर और हो? अम्मा यहाँ पे ना ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, मैं और मणि उसी काम में फंसे हुए हैं अभी। ओनली मणि और तुम, तो बाकी सब किधर है? वो तो इधर से निकले थे ये बोल के कि ऑफिस जा रहे हैं। वो भी मैं एक्चुअली वो काम में ऐसी बिजी थी ना, मेरे को उनका नाम नहीं लिया मैंने गलती से, पर है साथ में ही है वो ऑफिस में। पार्टी हम यही हैं। हाय पार्टी, आ रहे हैं घर पे थोड़ी देर में। करण को फाइल देना। हाँ लाए लाए। रूही किधर हो तुम सब, जल्दी घर आ जाओ। पता है संतोषी ने पूरा साउथ इंडियन खाना बनाया है और ईशु तुम्हारा फेवरेट सांबर बनाया है, जल्दी आ जाओ करना। अम्मा मैं नहीं खाना अभी, यहाँ पे काम बहुत है अम्मा, मैं नहीं आ पाऊंगी अभी, खाना नहीं खा पाऊंगी, प्लीज वेट मत करो प्लीज। इशिता उत्तर देख, तू ना जल्दी से घर आ जा, मैंने तेरे लिए खाना बनाया तेरा मनपसंद। और सुन ब्रह्मन तो है नहीं, हम सब लोग तो कम से कम मिलकर खाना खा सकते हैं ना। आती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है पुत्र। ओके। मेरी इशिता को ना तली हुई मिर्चियाँ बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बनाती हूँ। नहीं आप बैठो, मैं बनाती हूँ। मणि मैं ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती हूँ, मेरे गले से खाना ही नहीं उतरेगा, मैं कैसे खाना खाऊंगी जब रमन। ईशु तुम्हें घर जाना होगा, तुम कल रात से नहीं गई हो फैमिली से। I'm sorry, ईशु। देखो समझने की कोशिश करो, सब लोग घर में सबको झूठ बोले जा रहे हैं, कब तक झूठ बोलेंगे, वहां सब घबराए हुए हैं, इसलिए तुम्हें घर जाना होगा, सबको तसल्ली दो कि सब कुछ ठीक है, तुम समझ रही हो ना। अम्मा अगर आप घर नहीं गए ना तो पार्टी और दादी को शक हो जाएगा और फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे, और सबसे पहले आप चेंज कीजिए, मैं आपके लिए वो कपड़े लेके आई हूँ। हाँ ईशिमा प्लीज थोड़ी देर के लिए चल लीजिए, आप कल रात से नहीं आए हो घर, प्लीज प्लीज ईशिमा। ओके पर लिसन, तुम लोग प्लीज रमन का ध्यान रखना, अगर नर्स आके कोई भी दवाई के लिए बोले तो प्रिस्क्रिप्शन होगा मेडिकल बाहर ही है केमिस्ट का स्टोर, जाके तुरंत वहां से दवाई लेके आ जाना, तो मणि प्लीज दवाई का तुम संभाल लेना। रूही अगर बाई चांस रमन को होश आता है डॉक्टर बुलाएं तो प्लीज सब लोग पैनिक नहीं करना, एक एक करके जाना अंदर, रोना नहीं प्लीज रमन के रूम में,
ठीक है, प्लीज सारे इंस्ट्रक्शंस याद रखना। यीशु तुम फिक्र मत करो, अभी कुछ टाइम के लिए तुम सब घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हाँ इसमें सब याद है, चलिए आप अभी चेंज कर लीजिए, आ जाए। चलो चलो पहुंचो। इशरा पुत्र, इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ। कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? और बनी क्यों नहीं आया? उसको तो साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ पार्टी, वो ऑफिस से कॉल आ गया था तो उनको जाना पड़ा। हाँ। थोड़ा जरूरी काम था। चलो आओ पुत्र, आओ आज आज ले शीता पुत्र, मैंने स्पेशल तेरे लिए बनाया है, इस मद्रासन से सीख कर खाकर बता कैसा है। और ईशु, संतोषी ने तुम्हारा फेवरेट सांबर बनाया है, टेस्ट करके देखो ना। यन्ना चेकन्ना, खाओ ना कुछ, तुम थकी थकी लग रही हो, क्या हो गया? जब से आई है ना, बस दौड़ भाग में ही लगी हुई है, मेरा रमन आ जाएगा ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुझे ना पूरा विश्वास है, मेरी इशिता आ गई है ना तो रमन भी आ जाएगा। दादी कितना रोओगे आप? हाँ आपको पता है ना, I hate tears, I hate tears. बॉस इशिता और बाकी सब घर आ गए हैं, पर मणि अभी तक नहीं आया। बॉस बॉस यहाँ पे तो खाना पीना और हंसी मजाक सब चल रहे हैं। बहुत अच्छे, मतलब मणि अकेला हॉस्पिटल में है, ये अच्छा मौका है स्ट्राइक करने का। प्लीज प्लीज कम। हाय, प्लीज बैठिए ना। मिसेस बेल्ला, कैसी हैं आप? आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। मैं ऑफिस में भी आया था पर आप और मिस्टर मणि कुछ काम में बिजी थे तो आपसे मिल नहीं पाया। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। दरअसल मैं इतनी ज्यादा बिजी थी और फिर रूही ने मुझे बताया था कि आपको डिस्कस करना था पूजा को लेके। मिसेस बेल्ला, वो बात तो है ही, पर फिलहाल मैं कुछ और जानने के लिए आया हूँ। जब मैं ऑफिस से निकला और कार पार्क में था तो मैंने रूही, करण और युग को बहुत परेशान देखा। वो जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और किसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे। तो कौन है हॉस्पिटल में? आई मीन कोई अपना है? रूही, युग, करण कौन है हॉस्पिटल में? क्या हुआ? अरे भाई कौन है हॉस्पिटल में? अब इनके पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। इन्हें पता नहीं होगा कि रमन जिंदा है या मर गया, और ये इशिता उसे कैसे छुपा रही है। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? सिमी, रूही, मी का कुछ बताओ तो सही, कौन था हॉस्पिटल में? किससे मिलने गए थे तुम? करण? मैं बताती हूँ क्या बात है। एक तो मम्मा हम ना आपको कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि आप बिना वजह इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हो। अरे सिमी, वो तेरी माँ है, वो बच्चों के लिए परेशान नहीं होगी तो किसके लिए होगी? अरे हुआ क्या है? तू बातों को घुमा मत, सच सच बता हुआ क्या है। अरे कोई बात नहीं है पापा, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। मेरे इतने दिन से पैर में दर्द है ना, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा देती हूँ, ठीक रहेगा। तो डॉक्टर कहता है कि अपनी रिपोर्ट्स लेके फिर से आना, तो मैंने सोचा आज जाऊंगी, लेकिन फिर घर में इतना कुछ काम था और रिपोर्ट्स लेके कहाँ डॉक्टर को दिखाती, तो मैंने रूही को और करण को कहा कि मेरी रिपोर्ट साथ में ले आना। और इसी के लिए हम लोग हॉस्पिटल के बाहर मिलने वाले थे, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा सिमी, ऐसा केयरलेस नहीं बनते।
और तुमको तो पता है आज का डिनर माया संतोष बनाने वाले थे। हाँ, अरे हाँ बनाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि आप दोनों अकेले परेशान हो गए, इसलिए मैं और मीका घर पे रुक गए। वही आपकी थोड़ी बहुत तो मदद कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ पैरी अम्मा, और हमें पता है आपने खाने में जो इतनी सारी चीजें बना दी है ना, तो हमने सोचा कि हम मीठे में कुछ बना देते हैं, तो हमने बनाया है हलवा सबके लिए। अच्छा, ये औरतें बड़ी शातिर हैं, सब एक से बढ़कर एक। अरिजीत जी, हमारे घर में तो ये सब चलता ही रहता है। अब देखिए ना, बच्चे कितने ज्यादा परेशान हो गए अपनी बुआ को लेके, वो तकलीफ में तो बच्चों को तो तकलीफ होगी ना। सब जाना चाह रहे होंगे उनके साथ, और उसका प्लान कैंसिल हुआ तो सब अपने अपने काम पे लग गए, बस आपने उनकी बात सुन ली और आप परेशान हो गए। थैंक गॉड, नाउ आई एम रिलीव्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी अभी तो आप आई हैं और फिर से कोई हॉस्पिटल में तो कौन हो सकता है, और ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बट गॉड फॉरबिड, एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज ओके। मिस्टर सक्सेना, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। ओह कम ऑन प्लीज। अच्छा लगता है जान के कि आपको हम लोगों की इतनी फिक्र है। एक्चुअली आई एम ग्लैड इशिता जी वापस आ गई है, अब प्रोजेक्ट के पूजा की डेट फाइनलाइज कर लेते हैं, राइट? हाँ, वो एक काम है मेरा छोटा सा, वो हो जाए फिर हम पूजा की डेट डिस्कस कर लेते हैं। मीका, हलवा लाओ ना अरिजीत जी के लिए। ओ या, अभी लाए। और सिम्मी, तुम अपनी मोज का ध्यान रखो ना बाबा, बढ़ ना जाए ये दर्द। तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, बाकी सबका ध्यान रखती हो हमेशा, इसलिए सब परेशान होते तुम्हें लेके। मुझे दिख रहा है ये सब बस नाटक कर रहे हैं। इशिता तो रमन के साथ बिल्डिंग के पास ही थी, उसके बाद ये इतनी कूल कैसे हो गई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।